फ्रेंड कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कमाल की सैमसंग गैलेक्सी की ऐप की अपडेट के बारे में, या फिर आप बोल सकते हैं एंड्रॉइड की ऐप की अपडेट के बारे में, जो कि बहुत यूजफुल है आज के टाइम पे। अगर आप किसी को डाटा शेयर करते हैं या फिर डाटा किसी से लेना चाहते हैं, कोई सा भी एंड्रॉइड डिवाइस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सैमसंग का है कि नहीं है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि सैमसंग ने जो क्विक शेयर है ना, उससे नियर बाय से टाई अप कर लिया, मतलब गूगल की जो नियर बाय शेयर है उससे टाई अप कर लिया है। तो अब हर एंड्रॉइड मोबाइल में जिसमें नियर बाय है तो उसमें ऑटोमेटिक क्विक शेयर आ गया है। तो आप क्विक शेयर और न्यूआर के थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस पे। तो उसी के अंदर एक नया अपडेट आया, नया अपडेट में क्या नए चेंजेस किए गए और एक्चुअल में कैसे अपन इसको यूज करते हैं, सारी डिटेल मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन वाले में दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसए टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ क्विक शेयर के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के यहाँ पर गैलेक्सी स्टोर में। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर अपडेट्स वाले सेक्शन पे, और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट मिल रहा है क्विक शेयर के अंदर। तो क्विक शेयर क्या काम करता है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्विक शेयर का काम है डाटा ट्रांसफर का, जिससे आप कहीं भी इजीली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बाय क्यूआर कोड, बाय लिंक एंड बाय डायरेक्टली कनेक्ट करके। तो इसमें आप नियर बाय एंड्रॉइड किसी भी डिवाइस में यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। तो इस अपडेट को रिलीज किया गया है 18 सितंबर को, जिसका अपडेट साइज है 36.66 MB का और वर्जन नंबर है 13.6.53। तो पहले तो कर लेते हैं इसको अपडेट। अब यहाँ पर आप देखेंगे अपडेट करते टाइम कि इस अपडेट में क्या मेजर चेंजेस किए गए। जैसा कि उन्होंने लिखा है फिक्स अननोन, मतलब नोन प्रॉब्लम्स, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी कनेक्टिविटी से रिलेटेड, डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड, उसको यहाँ पर उन्होंने सोल्यूशन दिया गया है, ताकि आप इजीली क्विकली और प्राइवेसली अपने डेटा को यहाँ पर ट्रांसफर कर सकें एक्यूरेसी के साथ। तो ये होती है मेन इस ऐप के यहाँ पर आपको, क्योंकि देखो ट्रस्ट कर सकते हैं, सैमसंग का है तो मैं तो ट्रस्ट करता हूँ, और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक शेयर लेट क्विकली एंड इजीली शेयर वेरियस फाइल्स सच एज फोटोज, वीडियोज एंड डॉक्यूमेंट्स विथ नियर बाय शेयर डिवाइस। तो नियर बाई डिवाइसेस को आप डायरेक्टली यहाँ पर भेज सकते हैं। अब कैसे ये काम करता है तो मैं आपको थोड़ा सा उसको ब्रीफिंग करके आपको ये बता देता हूँ। तो इसमें को कैसे काम करते हैं, लाइक में आ गया यहाँ पर गैलरी में, ये मेरी कोई सी भी फोटो है, मुझे उसको क्विक शेयर में शेयर करना है, तो मैं यहाँ पर शेयर पे क्लिक करूंगा। यहाँ पर आने के बाद मैंने क्विक शेयर पे क्लिक कर लिया। अब क्विक शेयर पे आने के बाद पहले तो आपको अपने मोबाइल को ब्लूटूथ ऑन करना रहेगा, वाईफाई को ऑन करना रहेगा, तो ये वर्क करता है। तो इसके आसपास जो भी नियर बाई डिवाइसेज या क्विक शेयर डिवाइसेज होंगे ना, वो ऑटोमेटिक बता देगा। अब जैसे A50 बता रहा है, स्क्रीन ऑफ बता रहा है और वो ऑफ है। अब ये मेरा मोबाइल है, अगर आप देखेंगे पूरा मेन्यू है उसका, मतलब क्विक शेयर का जो आइकन है ना, वहां पर क्या लिखा आ रहा है, नियर बाय शेयर, मतलब क्विक शेयर अब नियर बाय शेयर की तरह हो गया है। यहाँ पर ये अवेलेबल दिख जाएगा। यहाँ पर अवेलेबल करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर शेयर करेंगे, सामने वाले के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, वो उसको रिसीव करेगा और वो फोटो सामने वाले के मोबाइल पे वहां पर रिसीव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम करता है, डायरेक्टली आप यहाँ पर बिना नेट कनेक्टिविटी के डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। अब इसी के अंदर एक और आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, लाइक क्विक शेयर और लिंक। तो यहाँ पर आप क्यूआर कोड से और यहाँ पर लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्यूआर कोड पर लिंक क्लिक करेंगे तो वो डेटा को कहीं ट्रांसफर करेगा, और डेटा को ट्रांसफर करने के बाद एक क्यूआर कोड आपको दिख रहा होगा, ये मैंने ब्लर कर दिया ताकि यार भाई मेरी फोटो एक्सेस ना कर सके, वो आपको दिख जाएगा। साथ में आपको एक लिंक भी दिख रहा होगा, तो चाहे तो आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसी को भी जो डेटा आपका है वो एक्सेस कर सकता है, और चाहे तो कॉपी यूआरएल करके भी आप किसी को सेंड करेंगे तो उस लिंक के थ्रू भी आपके जो भी डेटा है वो उसको एक्सेस कर पाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, और इसमें आप बहुत सारी चीजें इजीली यहाँ पर शेयर आउट कर सकते हैं। तो सबसे ये फीचर मिलता है इसके अंदर। और जाएंगे सेटिंग्स में, जाएंगे इसकी सेटिंग्स के अंदर, आपको यहाँ पर सेटिंग्स करने का ऑप्शन मिल जाएंगे, हु कैन शेयर यू, अगर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं कि आपको अगर आपने क्विक शेयर ऑन कर रखा है तो आपको कौन कौन डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मैं नो वन कर रखा है, कॉन्टेक्ट ओनली और एवरी वन करेंगे तो 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक वो ऑफ हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिलते हैं, आपका फोन का नेम यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, शो अवेलेबल डिवाइसेज और शेयर पैनल, तो शेयर पैनल के अंदर आपके अवेलेबल डिवाइसेज वहां पर दिख जाएंगी, तो उसके अगर नहीं चाहते तो वो कर सकते हैं। लिंक शेयरिंग कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं आप 10 GB तक की लिंक को किसी को भी शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वाईफाई ओनली पे काम करे तो वो भी यहाँ पर चूज आउट कर सकते हैं। और ऑटो डिलीट एक्सपायर्ड फाइल, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ताकि आप 1 या 2 दिन की एक्सपायरी लगा के किसी को डेटा वो भेज सकते हैं फोटोज, और 2 दिन बाद ऑटोमेटिक वहाँ पर डिलीट हो जाएगी, तो वो ऑप्शन मिल जाता है साथ में आपको। और यहाँ पर ये चीज यहाँ पर मिलती है, मेन चीज यार भाई बहुत ही ट्रस्टेड है और इसको यूज करना चाहिए, और अपडेट करने से कुछ सिक्योरिटी, कुछ प्राइवेसी या कुछ सिक्योरिटी का वहाँ पर इंप्रूव हुआ होगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ऐसी नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मुझे डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर डीएम करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।